कमी नहीं है, एक मिनट में लाखों मीटर कपड़ा बुना जाता है और एक एक के पास 20-20 50-50 जोड़ी कपड़े हैं। और कपड़े तो हैं, ऐसे कपड़े भी होते हैं कि पहने हुए भी हैं पर एक एक अंग का प्रदर्शन होता रहता है। हमारे स्वामी वेद मुनि जी नजीबाबाद में रहते थे, वेद संस्थान चलाते थे। वो कहा करते थे कि नारी को प्रियदर्शनी तो होना चाहिए पर प्रदर्शनी नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में आकर्षण होता है, जब प्रियदर्शनी न होकर के प्रदर्शनी बनकर के नारी चलती है। ध्यान रखना, पुरुष का स्वभाव आक्रांता होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि नारी स्वयं अपने आप उसको लिफ्ट दे रही है। दोष पुरुष का ही नहीं है, नारी का भी दोष होता है। इसलिए कहा मां के कश्यप को दर्शन, अंगों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तब कहा है स्त्री ही ब्रह्मा को भूमि, मर्यादा में रहने वाली नारी को ब्रह्मा कहा गया है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भी सच है कि मध्य काल में और अब तक भी नारी के ऊपर अत्याचार तो होते रहे, अब भी हो रहे हैं, अब भ्रूण हत्याएं हो रही है, कहीं दहेज के नाम पर इसको सताया गया, भ्रूण हत्याएं तक हो गई तो उसको संसार देखने भी नहीं दिया, कहीं सती के नाम पर उनको जिंदा जलाया गया। ऐसा क्यों? मैं पुरुष वर्ग से निवेदन करूंगा, देती है जन्म मां बन करके नारी पे सितम क्यों ढाते हो, देती है जन्म मां बन करके नारी पे सितम क्यों नारी के
एक दिन
इनको मन पे है।